हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू फिल्म लाइक अ प्रो। मैं आज आपको तीन बेसिक तरीके बताऊंगा जिससे कि आप एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस या फिल्म्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा भी होगा बट ज़्यादा नहीं है, इट वुड बी वर्थ इट। सबसे पहली चीज़, आपको मैनुअल पे शूट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ मैनुअल होनी चाहिए। अगर आप मैनुअल पे नहीं शूट करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कैमरा के ऊपर छोड़ देते हैं, कैमरा अपने दिमाग से उसे सेट करे और आपको फुटेज देगा, और कैमरा बेचारे के पास ज़्यादा दिमाग होता नहीं है, वो एक्सपेक्ट करता है आप अपने दिमाग से सोचें। तो फिर कैमरा के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में स्टडी कर लीजिए मैन्युअली अपने कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं। ये मैन्युअली यूज़ करने की बात जो है ना, ये फ़ोन कैमराज में भी होती है, तो आप अपने फ़ोन कैमरा को भी मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप मैन्युअली सेट करेंगे उस बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ होती है कि आपका फोकस जो है वो मैनुअल होना चाहिए। देखो, देर इज़ नो अदर वे ऑफ शूटिंग अ फिल्म और अ वीडियो। आप अगर ऑटो पे वीडियो शूट कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आप अकेले शूट कर रहे हैं या खुद को शूट कर रहे हैं, जैसे मैं इसको ऑटो पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना फोकस सेट नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ। बट अगर आप कोई सीन शूट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे मैनुअली फोकस करें। अगर आप ऑटो फोकस पे शूट करते हैं तो आपका कैमरा फोकस ब्रीदिंग करेगा, कोई भी बंदा उसको देख के बता देगा आपकी फुटेज को कि हाँ ये बंदा सीख रहा है अभी। अब मैं ये बात समझ सकता हूँ कि हाँ, मैनुअल पे शूट करना थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के कैमराज में जो मैनुअल पे शूट करना बड़ा आसान बना देती है। उसमें से एक चीज़ है फोकस पीकिंग, दूसरी चीज़ है फोकस मैग्नीफिकेशन। आपका कैमरा सीन पे मैग्नीफाई कर देता है, आप उसको फोकस कर लो, फिर उसके बाद आप शॉट को ले लो, आपका सीन फोकस में रहता है। दूसरी चीज़ आती है आपका शटर और एपर्चर, ये दोनों चीज़ें मैनुअल होनी चाहिए। शटर तो ऐसी चीज़ है, ये तो कॉम्प्रोमाइज़ इस पर हो ही नहीं सकता, ये होना ही चाहिए मैनुअल। और ये क्यों मैनुअल होना चाहिए मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। बट अगर हम एपर्चर की बात करें, एपर्चर देखो डिसाइड करेगा आपकी फुटेज में कितना ब्लरी बैकग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स से आपको चाहिए कि मेरी फुटेज में बहुत ब्लरी बैकग्राउंड रहे और आपने उसको ऑटो एपर्चर पर डाल दिया, और लेट्स से आप किसी धूप वाले सीन में चले गए, तो आपका कैमरा अपने आप से एपर्चर को क्लोज कर देगा ताकि वो लाइट के लिए कंपनसेट कर पाए। उससे क्या होगा, आपका ब्लरी बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा, या वाइस वर्सा। इन दोनों चीज़ों को भी प्लीज़ मैनुअल रखें। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है ISO। बहुत लोग ऑटो ISO पे शूट करते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है। देखो, आप अगर इन एंड आउट वाला सीन कर रहे हो, मतलब आप इंडोर भी शूट कर रहे हो, आउटडोर भी शूट कर रहे हो, और आपको बार बार मैनुअली ISO शिफ्ट करना, चेंज करना थोड़ा सा टास्क लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑटो ISO की भी रेंज होती है। आप ऑटो ISO पे रख के उसकी रेंज सेट कर दो। लेट्स से आपने 100 ISO से लेके 1600 या 3200 तक सेट कर दिया कि आपका कैमरा जो है ऑटो में भी इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा, ये एक सेफ जोन होता है, यहाँ पे ग्रेन ही नहीं होती फुटेज। कभी कभी क्या होता है, आपने उसको ऑटो ISO पे छोड़ दिया और आपका कैमरा चला गया जी 64000 ISO पे एक्सपोजर कंपनसेट करने के लिए, तो आपकी फुटेज बहुत ही ग्रेनी हो जाएगी, वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी। तो अगर आपको ऑटो ISO यूज़ करना है तो प्लीज़ उसमें ISO रेंज मेंशन कर दो, या नहीं करना है तो उसको मैन्युअली सेट करो, 100, 150, 200, 400, 800, जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से सेट करो। उसके बाद मैनुअल में एक और पॉइंट आता है, वो है वाइट बैलेंस। आपका वाइट बैलेंस मैनुअली सेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस में छोड़ोगे तो अगर आप धूप में हो तो आपका कैमरा आपकी फुटेज को कूल कर देगा, या फिर कूलर टोन्स में कर देगा, या फिर अगर आप छाए में हो तो आपका कैमरा आपकी फुटेज को वार्मर टोन्स में कर देगा। उससे क्या होगा, जब आप उसको एडिटिंग टेबल पे एडिट करने आओगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये सारी फुटेज का कलर अलग है, और इन सबको मैच कराना बहुत बड़ा टास्क होता है, आई एम सेइंग इट फ्रॉम एक्सपीरियंस। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टेबिलिटी। आपकी फुटेज स्टेबल होनी चाहिए। आप कोई भी सीन अगर दिखा रहे हो तो वो स्टेबल होना चाहिए। इवन इफ़ आप उसको दिखाना चाहते हो कि हाँ ये हैंड हेल्ड सीन है, उसमें भी देखो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आप माइक्रो जिटर्स अपने सीन में नहीं रख सकते, वो बहुत बुरा दिखता है और देखने वाले को भी चक्कर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, एक अच्छे से बेसिक से ट्राईपॉड पे इन्वेस्ट कर लो। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जाके गिम्बल खरीद लो। अगर आपकी नीड है गिम्बल की तो आपको पता होगा आपकी नीड है गिम्बल की, बट अगर नहीं है, इफ़ यू शूट वंस इन अ वाइल्ड, या फिर आपको स्टैटिक शॉट्स आपके लिए काम करते हैं, तो एक अच्छे से ट्राईपॉड को खरीद लो, अगर आपके पास ट्राईपॉड ऑलरेडी नहीं है तो, क्योंकि ट्राईपॉड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और इसमें एक टिप ये है कि अगर आपको हैंड हेल्ड सीन दिखाना है ना, तो आप ट्राईपॉड को ही उठा के सीन को ट्रैक करो। उससे ये होगा कि जो माइक्रो जिटर आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, कैमरा में एक बहुत बेसिक सी साइंस है, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। इसमें अगर बॉडी बहुत छोटी है, लेंस, बॉडी, सेंसर, इन सब के बीच में ज़्यादा कुछ खास
स्पेस है नहीं, उस वजह से माइक्रो जिटर आता है। छोटा सा छोटा मूवमेंट उसमें बहुत इन्हांस होके आता है। लास्ट पॉइंट आता है, वो है 180 डिग्री शटर रूल। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कुछ खास नहीं दिमाग लगाना। इसमें बस ये है कि भैया जितना आपने अपना FPS सेट किया हुआ है, लेट्स से आप 120 FPS पे शूट कर रहे हो स्लो मोशन, तो आपकी शटर स्पीड जो होगी उसकी डबल होगी, दैट इज़ 240। अगर आप 24 FPS या 25 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड होगी 50। अगर आप 30 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड होगी 60। अगर आप 50 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड होगी 100। बड़ा सिंपल सा रूल है, FPS का डबल होना चाहिए आपका शटर स्पीड। उससे क्या होगा, एक मोशन ब्लर जो होता है वो बड़ा नेचुरल सा होता है। इसमें जो खर्चे वाली बात है वो ये है कि देखो, हर बारी आप ये चीज़ अचीव कर पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप धूप में हो और आप अगर 24 FPS पे शूट कर रहे हो और आप अपना शटर स्पीड 50 रख रहे हो, तो आपका तो सीन पूरा ओवर एक्सपोज्ड होगा। इसका क्या हल है? इसका हल है एक ND फिल्टर, एक वेरिएबल ND फिल्टर पे आप इन्वेस्ट कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बड़ी आसानी से। अब देखो, बहुत महंगे महंगे ND फिल्टर्स भी है और बहुत सस्ते सस्ते भी है। मैं पर्सनली सस्ता यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा उससे काम चल रहा है। आपके कैमरा लेंस का जो फिल्टर साइज़ होता है या थ्रेड साइज़ होता है, जिस साइज़ का ढक्कन भी होता है, आप उस साइज़ का ND फिल्टर मंगवा लो ऑनलाइन या किसी मार्केट में जाके ख़रीद लो। वेरिएबल ND होना चाहिए, 1500 रुपये तक का, 1800 रुपये का अच्छा मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आपका जो फिल्म मेकिंग गेम है ना वो चेंज हो जाएगा। ये खर्चा ऐसा है कि मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, बट जब मैंने वो किया तो मुझे लगा कि हाँ, इट वॉज़ वर्थ इट। अगर आप ये तीन छोटी छोटी चीज़ें ढंग से मास्टर कर लोगे ना, तो आप प्रोफेशनल लुकिंग फुटेज बहुत एफर्टलेसली क्रिएट कर पाओगे। दैट्स अबाउट इट, इस वीडियो में इतना ही। दिस इज प्रतीक साइनिंग ऑफ। पीस।